इस व्लॉग में आपको बहुत नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज मिलेंगे, पर नहीं रहो बस साथ में, समझ रहे हो ना। ओ मैन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। फर्स्ट टाइम, मैंने सब बताया भी था, फर्स्ट टाइम विजिट इन लखनऊ एयरपोर्ट। सी दिस, मेरे सब बत्ती बोल के ले काली कार, बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार। वन इटर्निटी लेटर। और अभी सुबह भी मैंने बोला कुछ खा लेते हैं, तो कह रहा है कि नहीं मैं सिर्फ केले खाऊंगा। भाई केले का शौकीन है, ठीक है ना, अभी भी कुछ नहीं खिलाया भाई, समझ रहे हो ना। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो ऑल राइट पीपल, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अपना ये सारा सामान पैक हो चुका है, ये अपनी सारी मेडिसिन हो गई, ये अपने चश्मे हो गए, और ये थोड़ा सा और मटेरियल हो गया, ये अपनी जैकेट वगैरह हो गई, इसमें मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। इसमें कैमरा एंड मैकबुक और काफ़ी कुछ है, और बाकी अपना ये रेडी है, एंड ये आप देख सकते हो ये अपना सारा कुछ सामान रेडी हो चुका है, और जल्दी से पैकिंग भी करनी, क्योंकि आज रात को मुझे यहाँ गाँव से निकलना है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली से फिर अपना हिमांशु भाई मिल जाएगा, उसके बाद फिर देखते जैसा होता है आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए इसी के साथ। ऑल राइट पीपल, अभी का मम्मी हेलो, अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, अपनी गाड़ी हो चुकी है तैयार, ये अपनी छोटी सी कोठी है, एंड ये देख सकते हो आप पैकिंग बढ़िया से एकदम कर रखी है, एंड अब निकलते हैं दिल्ली, मिलते हैं उसके बाद अपनी राइड शुरू होगी जैसा कि आपको पता है। ओके मम्मा, ख्याल रखना। और हम निकल चुके हैं अपनी ड्रीम राइड के लिए, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिन बाद हम धन्नों पे आपको मिल रहे हैं, और आप ये मेरे गांव की गलियां देख लो, पाइपलाइन वालों ने पूरी खोद के रख दी है, पूरी ऐसी तैसी कर दी है रोड की, इंजॉय एडवेंचर थ्रिल विल सब कुछ मिलेगा आपको, बस इस बार थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट करना, काफ़ी ख़तरनाक राइड होने वाली है, एडवेंचर रहित, आप भी काफ़ी इंजॉय करने वाले हो इस राइड में। आई थिंक अपने होम टाउन से हम निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग 15-16 किलोमीटर घर से निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे देख लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि मैंने जब से आया तो उसे मैंने डलाया नहीं, भैया जैसी खड़ी कर गए थे पेट्रोल वगैरह डला के, वही सारा कुछ पड़ा हुआ इसमें, मैंने कुछ भी नहीं डलाया है, करा लेते हैं टंकी, करा लेते हैं फुल, टेंशन फ्री हो जाएंगे फिर। बाकी अभी हम रसूलाबाद में हैं, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको कोई बात नहीं। बिल्ली रास्ता काट गई, कौन नहीं वहाँ जाना, मुझे जैसे दिल्ली जाना है, ये अच्छा नहीं है, सिकंदरा से जो हाईवे मिल जाता है, सिकंदरा हाईवे गया है। हाँ सही, कौन रहेगा रोड ये वो सिकंदरा जाओगे। हाँ इतनी देर में तो आप जो है बिधुना क्रॉस करके इटावा पहुँच जाएंगे। अच्छा ऐसा है, तो वो ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा सही है, अभी तो उधर ही से निकल जाए। चलो ये सही हुआ भाई, अंकल से मिलके ये हो गया फायदा अपना, डिसीजन अभी ये निकला है कि हम चल रहे हैं इटावा वाली रोड से। पेट्रोल पंप आई थिंक खुला हुआ है अभी, अपना पेट्रोल पड़ा है 529.60 रुपये का, तो भाई अपना पेट्रोल अभी फुल हो चुका है टंकी, अभी इसमें 418, 6 घंटे 40 मिनट दिख रहे हैं, टाइम अभी हुआ है 256, आराम आराम से चल रहे हैं, वैसे अभी तक तो 60 ही चल रहे थे, अभी 50 चल रहे हैं, 50-60 ऐसी है डिस्टेंस, क्योंकि मेरे को इस पर भरोसा इस बार कम है, क्योंकि काफ़ी दिन से इसकी सर्विस नहीं हो रखी है, तो मैं ऐसे इसको ज़्यादा नहीं खींच सकता हूँ। गाड़ी बंद हो गई है, हीट ज़्यादा हो गई है, चल गई इसमें ना ऑयल, आई थिंक खत्म हो गया, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एंड फाइनली अपन एंट्री कर रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, देखते भाई यहाँ पे टोल वोल कितना क्या लगता है। हाँ जी मालिक, भैया आप इधर जोड़ो, हम इधर जोड़ो, हमारे हाथ में नहीं है, 7 बजे बंद हो जाती है, सवेरे ही चढ़ते हैं, अभी 4:30 बज रहा है। ये थोड़ा सा आज भाई सीन हो गया, ये सुबह जल्दी बाइक वालों को चढ़ने नहीं देते हैं, एंड अब हमें क्या करना पड़ा, सर्विस लेन लेनी पड़ेगी, सर्विस लेन से हमें 8 किलोमीटर वो डिस्टेंस मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो उससे मेरे को ये फ़ायदा हो जाएगी, मैं यहाँ पे 1 घंटे रुकने से अच्छा है कि मैं कुछ तो डिस्टेंस कवर कर लूँगा। आगरा वाले
हाँ हाँ अच्छा आप लखनऊ जा रहे हो, थैंक यू भैया। ओके ये देखो एक भाई मिल गए। हाय दिल्ली, अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, अपन टोल पे पहुंच चुके हैं, मतलब बिल्कुल लेफ्ट साइड ना। हाँ मैं उधर ही जाऊंगा क्योंकि मैं आराम से चल रहा हूँ। सर ने दे दी एंट्री, तो ये अपने लिए अच्छी चीज़ होगी। अब चलते हैं भाई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने दे दिया, क्योंकि अपन को वैसे भी आराम से चलना है, तो अपन लेफ्ट साइड आराम से पीली पट्टी पर चलते रहेंगे। भाई ये पूरा ढीला हो गया था, ये भैया से दोबारा बंधवाया है। ओके भैया थैंक यू, मैंने काफ़ी अच्छी हेल्प कर दी थी। कोई बड़ा रोके ना तो रुक जाना चाहिए, इंसान पता लग जाता है कौन कैसा है। भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ये फिर से रुक गई है, आई डोंट नो क्या दिक्कत हो रही है, ऑयल खत्म है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। ऑयल ही खत्म है, सच में कुछ हो रही है। तो थोड़ी देर ठंडी करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, चलेगी नहीं चलेगी। भगवान प्लीज पहुंचा दो बाबा। कैसी आवाज आ रही है, थोड़ी बहुत तो आई रही होगी। मेरे को इंजन ऑयल यहाँ पे कहाँ मिल जाएगा? आगरा में मिलेगा सर, यहाँ पे नियर बाई कहीं इंजन ऑयल मिल जाएगा? हाँ नीचे उतर के लोकल ऐसे काम चलाने के लिए डाल रहे हैं। मुझे बोरी में डलवाना पड़ रहा भाई। एक और बीसी होगी, सारी बीसियाँ मेरे साथ हो रही हैं, देख लो बांधना पड़ेगा अकेले। मिलते हैं बांध बूंद के, ठीक है। तगड़ा तो नहीं हुआ, बचा लिया बहुत। मैं घर पे कैसे बताऊं ये काम हो गया है। ये पूरी टूट गया है, मेरे ज़्यादा चोट नहीं, बस ये लगी छाती में लगी है। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा हो गया था, यहाँ पे हमारा हो गया था एक्सीडेंट अच्छे खासे वाला, तो बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, कुछ नहीं हुआ। एंड अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग राइड पे निकल चुके हैं बहुत ही मनाने के बाद, बाकी 80% भाई का हाथ है ले जाने में, वरना मुझे लगता था मेरा कैंसिल हो रहा था। भाई ने बहुत फोर्स किया एंड बहुत ही, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना दौड़ा है ना भाई मेरे साथ दो दिन कंटिन्यू, जो बाइक ये सही कराई रहा, जो आप ये देख रहे हो लास्ट वाली क्लिप, ये जो बाइक सही कराई है, अभी मैं एडिटिंग करके डन कर दी है, बाकी बने रहिए इसी के साथ। अब बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना कहाँ घूमने जा रहे हैं। हाँ भाई कहाँ चल रहे हैं हम? बेटे लैंड ऑफ हाई पासल। बेटे मजा आ गई। चलो बस जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जाना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। टाटा बाय बाय।